हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग। अब ये जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल में से एक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एडमिशन की जो वीडियोस आने वाली अपकमिंग, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से ही हो। तो ये है आज के लिए सबसे पहला वीडियो एडमिशन रिलेटेड। अब इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ऊपर मैंने आई बटन में एडमिशन 2022 करके एक आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है। वो प्लेलिस्ट में जितनी भी एडमिशन रिलेटेड वीडियोस है वो आप वहां से फाइंड कर सकते हो, और इसके अंदर निरमा और एडली ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेक कर देना। अब बात करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच की। सो देखिए, जब भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हो और स्पेशली कहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में, तो आपके सामने ये चार ब्रांच सबसे ज्यादा दिखेगी। ये चार में से ही सबसे ज्यादा एडमिशन आपके होने वाले हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जिन सारी कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है वहां पे सीएसई नहीं होता है, और जिन सारी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है उसमें सीई यानी कि कंप्यूटर नहीं होता है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड कंसीडर करने वाले हैं। उसके सामने हम डिफरेंस देखेंगे किसका, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप आईसीटी सिलेक्ट करने जाते हो तो आईसीटी एक काफी यूनिक कोर्स है, काफी डिफरेंट है, वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड यानी 1+2, वो दोनों को कंबाइन करके एक नया कोर्स बनाया है। तो इसमें आएगा क्या है? आएगा इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरीज प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ईसी जो आपका एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, उसका जो बेसिक होता है वो आपको पढ़ने को आएगा आईसीटी में। तो आज का वीडियो मेन फोकस होने वाला है कंप्यूटर साइंस वर्सेस आईटी, ठीक है? तो चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल आंसर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको 4 साल के बाद प्लेसमेंट ये लेना है, ये आपका गोल 100% श्योर है, तो फिर आप कोई भी अच्छी कॉलेज देख के कोई भी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि आपको अच्छी ब्रांच में चाहिए, अब अच्छी कॉलेज में मैंने बोला, तो अब यहाँ पे ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपको 4 साल के बाद प्लेसमेंट लेना है तो फिर आपको एलडी कॉलेज में कंप्यूटर में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एलडी कॉलेज में आईटी में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको 4 साल के बाद सिर्फ प्लेसमेंट ही जाना है, तो फिर आप वीजीसी में कंप्यूटर में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ पे आईटी कंसिडर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गोल प्लेसमेंट है तो फिर ब्रांच सिलेक्शन की ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। हाँ, अगर आपका गोल 4 साल के बाद आपको मास्टर्स करना है, उसके बाद आपको पीएचडी करना है, उसके बाद आपको कुछ यूनिक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई नया कुछ अलग करना है प्लेसमेंट के बजाय, प्लेसमेंट के सिवाय, तो फिर आपका ब्रांच सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्रोफेसर बनना है, आपको गवर्नमेंट क्लासेस मतलब जो जीपीएससी क्लास 1-2 यूपीएससी होता है उसमें अपीयर होना है, तो फिर यहाँ पे आपकी ब्रांच काफी मैटर करेगी, ठीक है? तो चलिए अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो मैंने अगेन जैसे कि आपको बोला कि इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम सभी लोग इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई भी कॉलेज है उसके अंदर कंप्यूटर एज वेल एज आईटी दोनों ब्रांच है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी आती है तो वो कंप्यूटर में से भी सिलेक्ट करेगी एज वेल एज आईटी में से भी सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे कोई भी आईटी कंपनी ऐसा नहीं बोले कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर स्टूडेंट्स को ही हायर करना है, मुझे आईटी स्टूडेंट्स को हायर नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस काफी कम है। काफी ओनली 3-4 सब्जेक्ट से ऐसे होंगे कि जो सीएससी में आएंगे वो आईटी में आपके नहीं होंगे, और जो सब्जेक्ट आईटी में होंगे वो आपके सीएससी में नहीं होने वाले। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ब्रांच वाइज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखता हूँ, अगर आपका गोल प्लेसमेंट है तो, ठीक है? तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट के टाइम आप सभी लोग एक ही कंपनी में, चाहे आप कंप्यूटर में से हो चाहे आप आईटी में से हो, बैठ सकते हो, ठीक है? अगली बात करते हैं डेफिनेशन। चलिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ टेक्निकल टर्म में। तो डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी डील कहाँ होगी, ज्यादातर आपका होगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जबकि आईटी की बात करें तो आईटी में आपकी डील ज्यादातर होगी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड बिजनेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, आपके लिए समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, ठीक है? अब सीएससी में ज्यादातर जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, जैसे कि सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, पूरा का पूरा रैम, जो भी बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है उसके साथ आपकी डील होती है। जबकि आईटी इंजीनियर की बात करें तो उसकी डील होती है एप्लीकेशन इन कंप्यूटर इन बिजनेस, यानी कि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट ले लीजिए, तो उसकी टीम जनरली आईटी इंजीनियर होते हैं, वो कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि करियर्स के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईटी और सीएससी के बाद करियर्स क्या होते हैं, ठीक है?
तो देखिए सीएसई के बाद आपका सबसे ज्यादा चांसेस है स्कोप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम इंजीनियर वेब डेवलपर। आईटी का सबसे ज्यादा स्कोप रहता है इन्फॉर्मेशन इन सिक्योरिटी एनालिस्ट नेटवर्क आर्किटेक्ट उसके बाद डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगेन जैसे कि मैं पहले ही सही बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपने सीएसई किया है तो आप इनमें से कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि आईटी है तो ही आप इसमें ले सकते हो, बट ये नॉर्मल सिनेरियो ओवरऑल सिनेरियो में यही होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए रखा है। एरिया ऑफ स्पेशलिटी की बात करें तो अगर आप सीएसई में हो तो फिर आपको ज्यादातर ये एरिया में काम मिलेगा, यानी कि कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विजन, एम्बेडेड सिस्टम एक्सेट्रा। अगर हम बात करें आईटी की तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक्सेट्रा। तो ये है एरिया ऑफ स्पेशलिटी सीएसई और आईटी की। अब यहाँ पे मेरा सजेशन, यहाँ पे मैं यही बात करना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी इतना ज्यादा डिफरेंसेस में कंसिडर मत कीजिए, आप फोकस कीजिए कि अच्छी कॉलेज ढूंढिए पहले। अगर अच्छी कॉलेज मिलती है तो फिर आप सबसे पहले आप देखिए कि कौन सी आपके ब्रांच में आपको मिल सकता है। अब मान लीजिए सबसे पहला चांस है कि आपको सीएसई में मिल सकता है, तो फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप सीएसई के लिए अप्लाई करो। अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर आप आईटी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको कॉलेज रैंकिंग में सजेशन दे रहा हूँ। ये है एक डाउनफॉल, यानी कि ऊपर सबसे जो ये वाली कॉलेज है ये टॉप में रहेगी, उसके बाद कट ऑफ धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाएगा, और ये सारी मैंने इसी जो सजेशन सीक्वेंस है उसमें लिखा है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है आईसीटी इन DAACT, यानी कि धीरूभाई अंबानी में आपको सबसे पहले ट्राई करना है। अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर आप ट्राई कीजिए निर्मा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर आप ट्राई कीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग DDU यानी कि धर्मसिजी देसाई यूनिवर्सिटी, और उसमें भी GIA यानी कि ग्रांटेड। अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो CSE इन MSU यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन LD कॉलेज। उसके बाद आप ट्राई कर सकते, यहाँ पे मैंने दो बार रिपीट किया है, MSU ऊपर ही रखना है क्योंकि CSE है, क्या है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इसीलिए मैंने उसकी प्रायोरिटी ऊपर दी है। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो CSE इन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अब काफी स्टूडेंट्स मुझे AU के बारे में पूछते हैं, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का क्या ये बेटर है, वर्थ है इसमें एडमिशन लेना, तो यहाँ पे मेरा सजेशन पॉजिटिव में रहने वाला है क्योंकि मैंने इसका ग्रोथ पिछले 4 साल में देखा है काफी ऊपर गया है, यानी कि इसमें काफी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, काफी अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही है, तो AU में अच्छा खासा स्कोप है। उसके बाद आप IT सिलेक्ट कर सकते हो LD कॉलेज में, और उसके बाद आप VGEC में CE सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने टॉप कॉलेजेस की बात की है, इसके नीचे भी काफी सारी है जैसे कि PDPU में है, BBM में है, फिर MSU तो ऑलरेडी आ गए, इसके अलावा GEC गांधीनगर, ये भी कुछ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है। So that's it for today's video. I hope दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि डिफरेंस में कुछ भी कंफ्यूजन, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। I will sure answer you. And if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.